हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अमेजोन प्राइम वीडियोस पर रिलीज हुई एक नई तेलुगु मूवी जिसका नाम है वी। इस मूवी की ओवरऑल लेंथ करीब 2 घंटे 20 मिनट की, और इसमें हमें नजर आते हैं नेचुरल स्टार नानी, सुधीर बाबू, निविता थॉमस, वेनिला किशोर और एक स्पेशल रोल में अदिति राव हैदरी। खैर, इस मूवी की कहानी शुरू होती है डीसीपी अदिति से, जो कि एक सुपर कॉप है और उन्होंने अपने करियर में काफी अचीवमेंट हासिल की है और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस भी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है जब एक साइको किलर एक पुलिस वाले का मर्डर कर देता है, और इतना ही नहीं वो खुला चैलेंज देता है डीसीपी आदित्य को उसे पकड़ने का। तो बस आपको पूरी मूवी में यही देखना है कि कैसे आदित्य उस साइको किलर को पकड़ते, और उसके अलावा वो किलर का इन सारे किलिंग्स के पीछे का मोटिव क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी। अब बात करेंगे इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, तो आपका तो पता नहीं लेकिन मैंने इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे इससे पहले बहुत सारी मूवीज ऑलरेडी देख चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मेकर्स ने एक थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है उनको ऐसा लगता है कि ऑडियंस यहाँ पर शॉक्ड होगी। लेकिन मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बोल दूं कि जब आप इस मूवी को देखोगे तो एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पर आप लोग उस ट्विस्ट को भी प्रिडिक्ट करने लगते हो, और एंड में वही सब कुछ होता है जो आपने ऑलरेडी बहुत सारी मूवीज में पहले देख चुके हो। तो इस वजह से जो नेचुरल स्टार नानी के जो फैंस है वो प्लीज मेरी इस बात को लेकर नाराज मत होना, क्योंकि जो मैंने फील किया वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके अलावा अगर बात करें कैरेक्टर्स की, तो यहाँ पर दो मेन कैरेक्टर है, डीसीपी आदित्य और वो साइको किलर का। इस दोनों कैरेक्टर को यहाँ पर इतना डेवलप किया कि आप इजीली उन कैरेक्टर्स को समझ सकते हो और यहाँ पर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहती है। इसके अलावा बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो एक ही चीज बोलूंगा वो है टॉप नॉच, और जिस तरह से उन्होंने कलर्स और लाइटिंग का यूज किया एक कॉमन सा सीन भी देखकर अच्छा लग रहा था, और जो एक सस्पेंस का माहौल उन लोगों ने इस पूरी मूवी में क्रिएट किया है वो कई कई जगह पर देखकर अच्छा लग रहा था, लेकिन कई कई जगह पर काफी चाइल्डिश मुझे पर्सनली फील हो रहा था। बात करेंगे इस मूवी के बीजीएम की, जो कि हाईलाइट है इस मूवी का। जितने भी वायलेंस की सीन्स है वहां पर जो एक बीजीएम का यूज हुआ है ना, एक अलग ही जोन में आपको लेकर चले जाता है, जो कि सुनकर ही आपको गूज़बम्स आते हैं। और मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि इस मूवी की मेन जान है इसका बीजीएम। अब फाइनली बात करेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, तो जो भी नेचुरल स्टार नानी के फैन है उनके लिए ये किसी ट्रीट से कम है नहीं, क्योंकि अपने फेवरेट एक्टर को अगर हम लोग एक नेगेटिव रोल में देख रहे किसी मूवी में तो वो हमारे लिए एक अलग ही चीज होती है, और पर्सनली नैनी ने इससे पहले किसी भी मूवी में नेगेटिव रोल प्ले नहीं किया, तो इस वजह से ये मूवी मस्ट वॉच हो जाती है। उसके अलावा सुधीर बाबू ने भी अपने इस रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया, और मेरे हिसाब से अगर उनको भी अच्छा मौका दे तो वो भी अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर निविता थॉमस और अदिति राव की बात को, तो उनका काम मुझे डिसेंट लगा और उनको इतनी ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग भी नहीं दी गई है। अब बात करेंगे इस मूवी की कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, तो सबसे पहला पॉइंट है वो है इसकी कहानी, जो कि एक मोमेंट पे आकर काफी प्रेडिक्टेबल हो जाती है और उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और जो उसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका स्क्रीन प्ले, जहां पर आप वो जो थ्रिल फील होना चाहिए वो थ्रिल आपको फील होता नहीं है। और जो इसका थर्ड नेगेटिव पॉइंट वो है इसके एक्शन सीक्वेंस। पहला सीन जहां पर सुधीर बाबू की एंट्री होती है वो एक्शन सीक्वेंस देखकर आपको ऐसा लगता है कि इस मूवी में हमें बहुत कुछ यूनिक चीजें देखने को मिल जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर्टिकुलर सीन के बाद आपको कोई भी ऐसा एक्शन सीक्वेंस देखने को नहीं मिलता जो आप देखकर वाओ या तारीफ करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके अलावा इस मूवी के जो सॉन्ग्स है वो मुझे ज्यादा अच्छे नहीं लगे, कुछ सॉन्ग सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छे थे लेकिन कुछ सॉन्ग को देखकर ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती इस मूवी की लेंथ को बढ़ाने के लिए वो सारे सॉन्ग्स डाले गए। उसके अलावा इस मूवी की जो आखिरी नेगेटिव पॉइंट है वो है इसकी लेंथ, 2 घंटे 20 मिनट। मुझे नहीं लगता ये मूवी डिजर्व करती है, मेरे हिसाब से अगर ये मूवी की लेंथ सिर्फ 2 घंटा होती तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती। अब बात करेंगे पेरेंटल गाइडेंस की, तो यस ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, यहाँ पर आपको कोई भी एडल्ट सीन देखने को नहीं मिलता है। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 2 स्टार, वो भी सिर्फ नानी और सुधीर बाबू के लिए। तो ओवरऑल मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत खराब था इस मूवी को लेकर, इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आप नानी के फैन हो या अगर आप सुधीर बाबू के फैन हो तो आप लोग इस मूवी को जरूर देखना, लेकिन अगर आप के फैंस नहीं हो, अगर आपको एक अच्छी मूवी की तलाश है तो ये मूवी आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख के अगर इस मूवी को देखोगे तो सच में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी। बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।